तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हसनपुर क्षेत्र में हूं और इस क्षेत्र का जो है आप लोगों को तस्वीरें दिखाने का कोशिश करूंगा। स्टेशन भी दिखाऊंगा, बस स्टैंड भी दिखाऊंगा और यहां का जो फेमस शुगर मिल है वो भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहें। समस्तीपुर का जो हिस्सा है वो हसनपुर है और यहाँ से भैया पटना भी नहीं जाती है डायरेक्ट ट्रेन। तो आप लोगों को पूरी तस्वीर दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें और टोटल वीडियो देखें, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हसनपुर का ब्लॉक रोड है और इस ब्लॉक रोड के चौराहे पर गांधी स्मारक भी बना हुआ है और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ नहीं है, नहीं तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये देख लीजिए गांधी स्मारक है और यहाँ पर एक पुलिया है। यहाँ पर समझ लीजिए ये जाने आने का पुल है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग सब्जी बेच रहे हैं। शाम के टाइम में काफ़ी जाम हो जाता है इन सब्जी वालों की वजह से। इन सब्जी वालों की वजह से ही जो है शाम के टाइम में जो है काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है पब्लिक को, क्योंकि रास्ता कम होने के कारण जो है यहाँ पर जाम लग जाता है, बहुत हेवी जाम लगता है यहाँ पर। अभी तो खैर जाम नहीं है, लेकिन देख सकते हैं ये पुल के ऊपर ही जो है से लोग सब्जी बेच रहे हैं। और सामने का जो सीधा रास्ता गया है वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। और ये जो चौराहा दिख रहा है आपको ये सुभाष चौक है, हसनपुर का सुभाष चौक है और उसके आगे सामने रेलवे स्टेशन है। और इस साइड में जो है हसनपुर मार्केट है, बाज़ार बोल लीजिए, हसनपुर बाज़ार है यहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को मैं रेलवे स्टेशन का भी थोड़ा सा सैर कराता हूँ। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए एक होटल मिल जाएगा, जीत एन अभिनव। ये एक होटल है जो कि मैं इसमें रहा हूँ एक बार, काफ़ी अच्छा सुविधा है। खाने वाने का रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा आपको और रहने का व्यवस्था भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पर खाने पीने का होटल भी मिल जाएगा आपको, मिठाई समोसे वगैरह चाट आइटम। और यही जस्ट स्टेशन के बाहर जो है समझ लीजिए एक मंदिर मिलेगा आपको, क्योंकि आप कभी पूजा भी कर सकते हैं। यहाँ पर दुर्गा मंदिर है यहाँ पर। और सामने रेलवे स्टेशन है, उसके आगे देख लीजिए यहाँ पे पार्किंग है, मोटरसाइकिल का पार्किंग है यहाँ पर। और ये सामने रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हसनपुर रोड स्टेशन है और यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती है वो समस्तीपुर के लिए जाती है और यहाँ से आप खगड़िया सहरसा भी जा सकते हैं और बहुत सारे स्टेशन हैं जो लोकल रास्ते हैं वो उसके सफ़र आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप पटना नहीं जा सकते, बहुत दुर्लभ वाली बात है। लेकिन यहाँ से पटना जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी होनी चाहिए, दिल्ली के लिए गाड़ी है लेकिन सप्ते में एक बार। चलिए आप लोगों को टिकट काउंटर दिखाते हैं। ये देखिए टिकट हॉल है और ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं ये टिकट हॉल की दिखा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर देख लीजिए बैठने की सुविधा तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सामने शौचालय भी है, ठीक टिकट काउंटर के सामने जो आप लोगों को शौचालय मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, उसके ठीक सामने जो अपोजिट में शौचालय है। और ये देख लीजिए बाहर का प्लेटफॉर्म का जो है काम चल रहा है, यहाँ पर मिट्टी फिलिंग का काम हो गया, यहाँ पर बैठने का भी जगह मिल जाएगा। और ये फिलहाल नया स्टेशन बना है, मतलब पिछले साल या एक डेढ़ साल में ये समझ लीजिए स्टेशन बन के तैयार हुआ है। जो मैं आप लोगों को बाहर से दिखाया था फर्स्ट टाइम वो वाला जो स्टेशन है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन यहाँ पर फिर से नया डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि मिट्टी फिलिंग का काम यहाँ पर हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है, मतलब एक नंबर प्लेटफार्म जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, लेकिन बहुत पिछड़ा समझ लीजिए इलाका है ये और बहुत ही स्लोली यहाँ पर वर्क हो रहा है, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था। दोनों साइड में देख लीजिए ये हसनपुर रोड का देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन वो दूसरे नंबर प्लेटफार्म पर जो है बहुत छोटा सा स्टेशन है। चलिए आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं। तो वीडियो में बने रहें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी ठंड भी लग रही है, तो चलिए ये तस्वीर आप लोग देख लीजिए हसनपुर रोड। तो चलिए यही जो पटरी से मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक छोटा सा रास्ता भी गया है, जो कि यहाँ से बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड भी दिखाएंगे आपको, हसनपुर का जो बस स्टैंड है वो भी दिखाएंगे। और वहीं पास चीनी मिल भी है, जो शुगर मिल है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। कि मैं पटना से आया हूँ, उसके बाद मैं पटना वापस जा रहा हूँ, तो आते टाइम जो है ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया था, कुछ कारण था, मैं बहुत जल्दी में आया था। और फिर अभी जाते टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए मैं अभी स्टेशन पर आया था, लेकिन मैं ट्रेन से नहीं जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ बस से बेगूसराय, बेगूसराय से फिर मेरा ट्रेन है।
और मैं बेगूसराय से ट्रेन पकड़ूंगा फिर पटना के लिए, वहाँ से लोकल ट्रेन चलती है। लेकिन मैं अभी जो आया था अपने घर और घर से जो है मैं वापस जा रहा हूँ, तो ये हसनपुर रोड से होते हुए जा रहा हूँ। मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस ये इलाका में क्या स्थिति है और क्या अब यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिल भी है जो कि शुगर मिल है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और इसका जो बस स्टैंड है उसका क्या स्थिति है अभी, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं ये पावर प्लांट है, ये हसनपुर का स्विच यार्ड बोलिए या फिर पावर प्लांट बोलिए, यहाँ से ही पावर सप्लाई होता है लगभग। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा चीनी मिल से जो है धुआं भी उठ रहा है। तो चलिए इधर से रास्ता तो है जाने के लिए, तो मैं इधर से ही निकलूँगा। काफ़ी छोटा रास्ता है, मैं चाहता तो मार्केट से भी आ सकता था, लेकिन अब मुझे आप लोगों को स्टेशन भी दिखाना था और मुझे बस स्टैंड भी जाना था, इसलिए मैं शॉर्ट रास्ता अपनाया। इधर से पटरी ट्रैक के साइड से एक रास्ता गया है जो कि मुझे पता है, मैं पहले भी इस रास्ते से आ चुका हूँ, इसके लिए मुझे पता था, इसलिए मैं शॉर्टकट में इधर से आ गया। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से अभी गन्ने का खेती होता है और कितना जाम लगा रहता है, कितना भीड़ भाड़ है यहाँ पर, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये काफ़ी सारा ट्रैक्टर लगा हुआ है जो कि नंबर में लगा हुआ है, सब ट्रैक्टर में समझ लीजिए गन्ना जो होता है ऊख, वो लदा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर रेलवे फाटक है, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है, और देख लीजिए पूरे ट्रैक्टर में लदा हुआ है लाइन बाय लाइन, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और इधर में देख लीजिए चीनी मिल है जो कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा धुआं दिख रहा होगा, इस चीनी मिल का जो धुआं है। ये देख लीजिए ये हसनपुर का बस स्टैंड है, क्या स्थिति है यहाँ का देख लीजिए। ये छोटा सा बस स्टैंड है, बिल्कुल छोटा सा। और अभी जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर देख लीजिए मगध शुगर एनर्जी लिमिटेड है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट हसनपुर शुगर मिल, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देख लीजिए अंदर का नज़ारा है, ये शुगर मिल का अंदर का तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना सारा ट्रैक्टर में ऊख लदा हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारा ट्रैक्टर में ऊख लदा हुआ है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से ये मिल के अंदर में किस तरह से नंबर लगा हुआ है, गाड़ी बाय किस तरह से गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, मैं आप लोगों को वो दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए रेलवे फाटक भी है, और यहाँ पर ट्रक और बैलगाड़ी और ट्रैक्टर सब यहाँ पर नंबर में लगे हुए हैं, कितनी दूर तक नंबर में लगा हुआ है सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आप लोगों को आगे तक दिखाते हैं, मैं फिलहाल अभी ऑटो से जा रहा हूँ और ऑटो से पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो रेलवे फाटक है जिसे क्रॉस करके सारी गाड़ियाँ जाती है चीनी मिल में। आपको मैं तस्वीरें दिखा चुका हूँ बस स्टैंड का, हसनपुर बस स्टैंड का। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी ट्रैक्टर में ऊख लगा हुआ है, जिसको गन्ना भी बोलते हैं और हमारी भाषा में इसको ऊख बोलते हैं, जो कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइन बाई लाइन लगी हुई है। इन लोगों का जो टाइमिंग है वो नाइट में समझ लीजिए नंबर लगता है इन लोगों का, और ये नाइट में ही जा करके एंट्री मिलता है इन लोगों को, क्योंकि अभी भी ये लोग रोड जाम करके रखे हुए हैं, क्योंकि वन साइड ही इसका रोड खुला हुआ है, काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है समझ लीजिए, और काफ़ी दूर तक ये गाड़ी जो है सो नंबर में लगा रहता है, क्योंकि मैं पिछली बार जो आया था वो इसी की वजह से समझ लीजिए जाम में मैं फंस गया था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं अभी तो मुझे रास्ता मिल गया है, क्योंकि मैं अभी ऑटो में जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और आगे भी देख लीजिए ये बैलगाड़ी में भी समझ लीजिए गन्ने जो है लेके आ जाया जा रहा है। ये है अपना बिहार। और ये जो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, कम से कम 4 किलोमीटर तक ये लाइन लगा हुआ है, काफ़ी लंबा लाइन है। और आप लोगों को मैं क्या बताऊं, यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, और यही वो रास्ता है जिससे रोसड़ा समस्तीपुर के लिए निकला जाता है, और बेगूसराय भी इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि अभी हम फिलहाल बेगूसराय जा रहे हैं। और देख सकते हैं ये जो तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ इतनी कम जगह में कैसे मतलब बस निकलेगा। यहाँ पर देख लीजिए गन्ने का खेत भी है, जो कि यहाँ पर गन्ने का खेती मतलब भयंकर तरीके से होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारा मतलब नंबर में लगा हुआ है गाड़ी। मैं आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक नंबर है वहाँ तक दिखाने का कोशिश करूँगा, और मैं आप लोगों को बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आप लोगों को मैं दिखाया यहाँ का जो हसनपुर का जो बस स्टैंड मैंने आप लोगों को दिखाया, इतना छोटा बस स्टैंड
उससे बड़ा तो मेरा घर पे दरवाज़ा है। सही बात मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए, जितना बड़ा बस स्टैंड हसनपुर का है उससे बड़ा एरिया में मेरा घर पे दरवाज़ा है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। इस और इस हसनपुर का जो विधानसभा का जो ये समझ लीजिए विधायक जी हैं, वो विधायक जी तेज प्रताप जी हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा बस स्टैंड में इतना कचरा तो खैर फैला हुआ है ही, इतना छोटा बस स्टैंड भी है, थोड़ा सा एरिया बड़ा होना चाहिए। और बस ये क्योंकि यहाँ से रोसड़ा के लिए, समस्तीपुर के लिए, बेगूसराय के लिए बस निकलती है, और जो लोकल गाड़ियाँ हैं, लोकल के लोग हैं वो भी यहाँ पर समझ लीजिए कि सवारी करते हैं, तो बहुत सारा गाड़ी का भीड़ भाड़ होता है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को सुबह सुबह का टाइम है, जो कि सुबह सुबह का जो ये समझ लीजिए अभी 8 ही बजा है, 8 बजे का जो टाइम है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम भीड़ है। ये 10 बजे 11 बजे के बाद काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, इसलिए मैं इस क्षेत्र का जो है आप लोगों को तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये देख लीजिए, अभी तक ये गन्ने का जो लाइन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा, ये तस्वीर आप लोगों को कैसा लगा, और इस क्षेत्र में आप लोगों को मैंने तस्वीर दिखाया उसके ऊपर भी कॉमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद।